हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीताज डायरी। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सो दैट यू डोंट मिस माय न्यू रेसिपीज। हेलो एवरीवन, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में चाय के साथ क्रिस्पी गर्मा गर्म मूंग के घर के मंगोड़े खाने का मजा ही अलग है। चलिए अब हम बनाते हैं गर्मा गर्म चटपटे क्रिस्पी मूंग के मंगोड़े। इसके लिए मैंने 2 कप छिलके वाली मूंग की दाल को 1 घंटे पहले भिगो लिया था। ये मेरी दाल अभी भीग चुकी है। अचानक से कभी हमें पता चलता है कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, तभी भी हम मूंग के मंगोड़े बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको ये करना है कि आप गर्म पानी लें और उसमें दाल को भिगो दें। आधा घंटे में ही हमारी दाल अच्छे से भीग जाएगी। अब हम 1 कप प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और उसके बाद मैं 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है मैंने, बड़ा टेबल स्पून स्वाद अकॉर्डिंग नमक लिया है, 1 बड़ा टेबल स्पून लाल मिर्च ली पीसी, 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है और थोड़े से करी पत्ते लिए हैं। अब मैं दाल में हरी मिर्च और करी पत्ता डाल को मिक्सर में चन करके दरदरा कर लूँगी। ये देखिए मैंने दाल को मिक्सर में डाल के चन कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा कि जब हम दाल मिक्सर में पीसने के लिए डालते हैं तो उसका पूरा पानी निकाल लीजिएगा। देखिए मैंने दाल को पीसने के पहले पूरा पानी निकाल लिया था और दाल को पीसते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि दाल को दरदरा पीसिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम इस पीसी हुई दाल में तेल डालेंगे। मैं इसमें 2 टीस्पून तेल डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें एक टेबल स्पून लाल मिर्च डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून हमने जो सेगा धनिया लिया था खड़ा वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे जितना हमें चाहिए। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। हमने जो बारीक प्याज चॉप करके रखा था 1 कप वो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल दे रहे हैं, ये अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। मैंने गैस चालू करके कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। जब तक हम ये हमारा मिक्सचर तैयार करेंगे तब तक हमारा कढ़ाई में तेल गरम हो जाएगा। और फ्रेंड ध्यान रखिए कि मैंने इसमें कोई सोडा नहीं डाला है, सिर्फ तेल डाला है। आप लोग भी सोडा ना डालें, सिर्फ तेल डालकर बनाएं, बहुत अच्छे मंगोड़े बनेंगे। ये हमारा गरम तेल है, इसमें अब हम मंगोड़े धीरे धीरे करके डाल देंगे। आप ध्यान रखिए कि मंगोड़े तलते समय हमारा गैस की फ्लेम फुल पर होनी चाहिए। देखिए मंगोड़े में मैंने दाल पीसी और मैंने उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था मेरी दाल, इसलिए मंगोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी नहीं डाला है, यदि आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब हम हमारे मंगोड़े को देखिए ब्राउन हो गए हैं थोड़े, इसको अब हम धीरे धीरे पलटेंगे। देखिए हमारे मंगोड़े कितने क्रिस्पी हो गए हैं और अच्छे फूल भी गए हैं। आप लोग ध्यान रखिए मैंने इसमें सिर्फ तेल ही डाला था, मैंने मीठे सोडे का भी यूज़ इसमें नहीं किया है। आप मंगोड़े को धीरे धीरे हिलाते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन अर्थ होते तक तलिए। देखिए अभी हमारे मंगोड़े गोल्डन ब्राउन होने में ही है। ये देखिए अभी हमारे मंगोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसको धीरे से निकाल के प्लेट में सर्व कर देंगे। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म चटपटे एंड क्रिस्पी मंगोड़े। इसे हम प्लेट में सर्व कर देंगे टमेटो केचप एंड ग्रीन चटनी के साथ। ये गर्मा गर्म मंगोड़े का बारिश के दिनों में मजा लीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।